आप लोगों को एशिया कप 2022 याद है, आई एम श्योर याद ही होगा। अगर एशिया कप 2022 याद है तो ये भी याद होगा कि कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चीजें गरमाई हुई थी, बल्लेबाजी या गेंदबाजी में नहीं बल्कि फैंस की वजह से चीजें पिछले बार गरमा गई थी, जब फैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे। इतना ही नहीं, फैंस ने जो है कुर्सियां तक दे मारी थी, इतना गर्मा गर्मी हो गई थी जितना इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में भी हम नहीं देखते, उससे ज्यादा गर्मा गर्मी पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में हो गई थी। हर जगह इस चीज की बड़ी आलोचना हुई थी, हर किसी ने इस चीज पर चुटकियां ली थी कि फैंस कैसे हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मुकाबला चल रहा है या बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, इतना ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था। वो कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब इतिहास खुद को दोहराता है। एक बार फिर से पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तीसरा ओडीआई मुकाबला चल रहा था आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका में। दरअसल पाकिस्तान ने 3-0 से ये सीरीज अपने नाम कर ली, लेकिन तीसरे मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सभी का ध्यान केंद्रित कर लिया। क्या कुछ हुआ तीसरे मुकाबले में, सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल तीसरा ओडीआई मुकाबला चल रहा था पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच में, जहां पर जब पाकिस्तान खेल रही थी उसके उसी टाइम पे उसी दौरान फैंस जो है थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो गए। आपको याद होगा पिछले साल ये माना गया था, ये समझाया गया था फैंस को कि अब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के फैंस अलग अलग बैठेंगे, क्योंकि दोनों आपस में अगर बैठते तो खिचड़ी ही बनती है, दोनों फैंस अलग ही बैठेंगे। अब फैंस को चाहे अलग कर लो लेकिन लोगों की फितरत आप अलग नहीं कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ हुआ जब एक पाकिस्तानी फैन ने अपना झंडा उल्टा करके अफगानिस्तानी फैन को उंगली दिखाई और बोला कि भैया तू चुप हो जा, बहुत चीज़ें, बहुत गाली गलोच वहाँ पर हुआ और बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। एक तरफ मुकाबला मैदान में चल रहा था, दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फैंस के बीच में चल रहा था स्टैंड्स पर। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल यहाँ पर हो गया था, जिसकी एक छोटी सी क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग निंदा भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं कि कैसे फैंस हैं, मतलब यहाँ खिलाड़ी आपस में खेलने की बात कर रहे हैं और फैंस जो है इतना ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, फैंस इस हद तक नीचे गिर जाते हैं कि भैया इनको पता ही नहीं लगता है कि सामने वाला भी इंसान है। तो एक वीडियो क्लिप जो है वायरल ज़रूर हो रही है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है कि ऐसा ही कुछ मुकाबला, ऐसा ही कुछ मंजर हमें फिर से क्या एशिया कप में देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान का मैच है। क्या लग रहा है फिर से ही आपको ये लड़ाई देखने को मिलेगी या जंग देखने को मिलेगी या नहीं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।